नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विमल सर और आप देख रहे हैं सीजी जॉब एजुकेशन। साथियों, ये जो मुद्दा मैं आज इस वीडियो के माध्यम से लेने जा रहा हूं, ये मुद्दा है विषय बाध्यता की। जी हां, शिक्षक वर्ग दो में विषय बाध्यता का मुद्दा है। जब बस्तर एवं सरगुजा संभाग में शिक्षकों की भर्ती निकाली गई थी, तो उसमें विषय बाध्यता को शिक्षक पद के लिए अर्थात वर्ग दो पद के लिए विषय बाध्यता को समाप्त कर दिया गया था। और उस समय भूपेश बघेल जी द्वारा पोस्ट किया गया था कि बस्तर एवं सरगुजा में जो है शिथिल किया जा रहा है। तो क्या वास्तव में जब रायपुर बिलासपुर दुर्ग संभाग में भर्ती आएंगी तो उसमें भी विषय बाध्यता नहीं होगा? क्या कहता है नियम, क्या है ये, जो भी चीज़ें हैं हम इस पर चर्चा इस वीडियो में करेंगे। जो साथी नए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखिए, जो ट्वीट आपको इस वीडियो में स्क्रीन पर शो हो रहा है, सीएमओ छत्तीसगढ़, आदिवासी क्षेत्रों में भर्ती नियमों में शिथिलता। देखिए, स्पष्ट जब शिक्षक भर्ती आया था तो भूपेश बघेल जी ने पोस्ट किया कि आदिवासी क्षेत्रों में भर्ती नियम में शिथिलता लाई जा रही है। राज्य सरकार ने बस्तर एवं सरगुजा के आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षक भर्ती के नियमों को शिथिल करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इससे पढ़े लिखे आदिवासी समाज के युवाओं को लाभ होगा। देखिए, ये जो नियम बना है, अर्थात जो बस्तर और सरगुजा के आदिवासी साथियों के हित को ध्यान में रखते हुए ही विषय बाध्यता को समाप्त किया गया, ताकि वहाँ पर भी योग्य उचित शिक्षक मिल सके। ठीक है, क्या वास्तव में केवल बस्तर और सरगुजा संभाग की वैकेंसी आई थी इसलिए शिक्षक के विषय बाध्यता को समाप्त किया गया, जैसा कि ट्वीट से नज़र आ रहा है भूपेश बघेल जी के? अगर ऐसा है साथियों, तो क्या रायपुर बिलासपुर दुर्ग संभाग में जो भर्ती आएगी उसमें फिर से विषय बाध्यता आ सकता है? क्या है पूरा अपडेट इस पर, तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि विभाग अगर इस तरीके से ट्वीट किया है तो कहीं ना कहीं इसमें बदलाव की भी आशंका है आने वाली भर्ती में। अर्थात आने वाली भर्ती में विषय बाध्यता हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, क्योंकि जैसा ट्वीट आया है उसके हिसाब से केवल आदिवासी अंचलों में बस्तर और सरगुजा संभाग में ही ये जो विषय बाध्यता वाला जो मैटर है उसको हटाया गया है। फिलहाल भाजपा जो पार्टी है उनके नेताओं द्वारा इसी विषय बाध्यता को लेकर आवाज़ उठाई जा रही है। देखिए ये वीडियो जिसमें विषय बाध्यता को लेकर भी बात कही जा रही है। कि आज इस प्रदेश के अंदर में बस्तर और सरगुजा जो हमारा ट्रैवल क्षेत्र है, ट्रैवल युवाओं के लिए विशेष रूप से और अन्य युवाओं के लिए विशेष रूप से, अन्य वर्ग के लिए है, उनके लिए विशेष रूप से बहुत सारी छूट रहती है, उनको प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि एससी वर्ग के लोग हैं। उसके लिए 12,489 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन तारीख 4/5/2023 को ये विज्ञापन निकला, और ये विज्ञापन सरगुजा बस्तर के लिए निकला, और इसमें आरक्षण वर्ग में है बी वर्ग और डी वर्ग करके इस तरह का आरक्षण निकला, इस तरह का विज्ञापन निकला। आप और हम सब भी मिडिल स्कूल पढ़े हैं, हाई स्कूल पढ़े हैं, हमने 9th-10th के बाद में जाकर जब 9th का तो 9th अब 10th जब 10th प्लस टू हुआ तो 12th में हम सब विषय लेकर परीक्षा पढ़ते हैं। हम सब कोई साइंस लेता है, कोई बायो लेता है, कोई कॉमर्स लेता है, कोई आर्ट्स लेता है, इस तरह करके। और जब हम नौकरी में आवेदन करते हैं विषय विशेषज्ञ को लेकर किसी विषय के लिए, जैसे मान लीजिए कोई प्रोफेसर का निकलना है, कोई साइंस के प्रोफेसर के लिए 40 का निकला है, तो उसमें साइंस का ही जो विद्यार्थी है वो एलिजिबल होता है, कोई आर्ट्स का है तो आर्ट्स का एलिजिबल होता है। ये सामान्यतः आज नहीं, बरसों बरस से ये है और हमारे नियमों के अंतर्गत भी है। और तो और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में भी मेरे पास इसका प्रपत्र है, उसका एक्ट है, उसमें भी ये सब चीजें हैं। लेकिन ये 12,489 शिक्षक भर्ती में किस तरीके की अनियमितता है कि विषयों को समाप्त कर दिया गया, अर्थात विषयवार नहीं। मतलब अब ये है, यदि साइंस का भी कोई प्रोफेसर की जो पोस्ट है उसके लिए आर्ट्स वाला भी एलिजिबल है। अब मैं प्रेस के माध्यम से प्रशासन से शासन से पूछना चाहता हूं कि आर्ट्स में पढ़ा हुआ जो स्नातक है, स्नातकोत्तर है, वो आखिर साइंस का सब्जेक्ट किस तरीके से पढ़ाएगा,
अपने आप में आश्चर्य का विषय है। ये मुद्दा हमारे डीएड डीएड संघ और जो अन्य विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे उन्होंने इन मुद्दों को उठाया। बोर्ड तक ये विषय अभी गया है, जो वहां पर चर्चा का विषय है, वहां पर भी विचारार्थ है। लेकिन सरकार क्या कर रही है इस पर मैं ध्यान केंद्रित करने के लिए कि युवाओं के साथ में किस तरीके का खिलवाड़ कर रही है, ये विषय मैं सामने लेकर आपके बीच में आया। अब इसमें एक और चीज है इसी में कि देखिए किस तरीके का खेल होता है। जब विज्ञापन निकला तब इस तरह की कोई व्यवस्था नियम में नहीं थी कि आप विषय बार खत्म कर दीजिए और किसी को भी ले लीजिए। एग्जाम होता है 10 जून को, एग्जाम होता है 10 जून के बाद रिजल्ट निकलता है 2 जुलाई, ठीक है। 4 मई को विज्ञापन निकला, 10 जून को परीक्षा हुई और 2 जुलाई को रिजल्ट निकला। तब तक विषयवार था, कहीं नियम नहीं बदला था, परीक्षा हो गई, रिजल्ट निकल गया। 6 जुलाई को मंत्रिपरिषद ये निर्णय करती है कि विषयवार विषय को समाप्त किया जाए। मतलब सब कुछ संपन्न हो चुका है, उसके बाद ये कैबिनेट में निर्णय करते हैं कि विषयवार जब इनके संज्ञान में आया कि ये मेजर ब्लंडर कर रहे हैं, तब जाकर ये विषय आया कि नहीं गलत हो रहा है, इसलिए इन्होंने कैबिनेट के अंदर ये लाया। पहली बार ऐसा हो रहा है कि परीक्षा हो गई, रिजल्ट निकल गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद ये विषय को लेकर आ रहे हैं। और राजपत्र में 11 तारीख को छपता है, राजपत्र के अंदर में 11 तारीख 11 जुलाई को राजपत्र में आता है, इसका प्रकाशन होता है कि ये विषयवार हो जाए। मेरा कहने का मतलब यदि कोई निर्णय होता है आपके अधिकार का क्षेत्र का मामला है तो आपको पहले संज्ञान में लेना चाहिए, युवाओं को विश्वास में लेना चाहिए कि इस तरह की स्थिति होती है कि नहीं। वैसे सामान्यतः भारत देश में इस तरह की स्थिति किसी भी राज्यों के अंदर में इस तरह की भर्ती कभी नहीं हुई। ये एक ब्लंडर। अब जो परिणाम आया ये किस तरीके का, मतलब क्या कर क्या रहे हैं, ये सरकार मतलब बेहोशी के आलम, और बेहोशी को मैं उससे जोड़ूंगा जो अवैध शराब बिक रहे हैं। मतलब लोग तो चाहते हैं कि अवैध शराब शराब बंद हो, शराबबंदी हो, लेकिन सरकार भी मस्ती में आ गई है, नशे में आदमी काम करता उस तरीके का प्रकरण है। तो अभी आपने देखा साथियों, चूंकि आरोप प्रत्यारोप का विभिन्न पार्टी के नेताओं में चलता ही रहता है, मैं इस पर बात नहीं करूंगा। लेकिन जिस तरीके का जो ट्वीट है या जिस तरीके का पोस्ट भूपेश बघेल जी द्वारा किया गया है, उससे तो साफ यही लगता है कि जो नियम बस्तर और सरगुजा में शिथिल किया गया है, अर्थात जो भूपेश बघेल जी द्वारा शिक्षक विषय बाध्यता को बस्तर और केवल सरगुजा संभाग के लिए ही समाप्त किया गया है, ये ट्वीट से पता चलता है। हालांकि जब रायपुर बिलासपुर और दुर्ग संभाग में वैकेंसी आएगी तो वहाँ पर नियम क्या होगा, राजपत्र वहाँ पर किस तरीके से होगा, क्या वास्तव में उसी राजपत्र को रखा जाएगा या जो पुराने 2019 के विषय बाध्यता वाला राजपत्र है उसी राजपत्र के आधार पर भर्ती होगी, इस पर अभी केवल सस्पेंस ही है। क्योंकि फैसला सिर्फ सरकार का होता है, सरकार अपने हिसाब से नियमों में भी संशोधन कर सकती है। इस वीडियो में इतना ही, जो साथी नए भाई चैनल से जुड़े रहे।